गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अन एकेडमी। फर्स्ट ऑफ ऑल सारे बच्चे मुझे एक बार कमेंट करके बता देंगे कि मैं ऑडिबल हूँ या नहीं, और उसके बाद गाइस हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। और आज का जो सेशन होने वाला है, यहाँ पर हम लोग करंट अफेयर का डिस्कशन करने वाला है, जो कि होने वाला है 27 से लेकर के 28 सितंबर तक। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन गाइस, हेलो कार्तिके, नरेश, सागर, गुड मॉर्निंग गाइस। एक बार सारे बच्चे एक बार इस सेशन को शेयर भी कर देंगे और हम लोग गाइस चलिए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे जो मुझे नहीं जानते मैं उनको बता दूं, गाइस मेरा नाम अनुराग है और मैं आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, स्ट्रेटेजी के सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। और जब भी गाइस आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में प्लस में आते हैं तो यूज माई कोड दैट इज ANG11। ये आपको जितने भी गाइस में कोर्सेज है अनअकैडमी में, चाहे वो UPSC का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे SSC का हो, हर कोर्स में आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट ये दे देगा। और गाइस क्योंकि मेरा इकोनॉमी का कोर्स भी चल रहा है तो आप उसको प्लस में आकर के वहां से प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो गाइस अगर मैं बात करूं तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी मेरे बारे में जो मैंने आपको बताई। अब चलिए आगे चलते हैं। अगर आप गाइस प्लस ज्वाइन करते हैं तो आपको वहां पे लाइव सेशंस देखने को मिलेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, आपको वहां पे क्रैश कोर्स देखने को मिलेगा। एग्जाम आने पर आपको दोनों ही लैंग्वेजेस में क्लासेस अवेलेबल होंगी, डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको मिलेंगे, वीकली टेस्ट होगा। तो दीज आर सम एडवांटेजेस गाइस। और जितने भी अपकमिंग एजुकेटर है उन सभी के कोर्सेज भी आप वहां पे देख पाएंगे। और इसके अलावा गाइस अगर मैं बात करूं तो जो कोर्सेज ऑलरेडी हो चुके हैं, जो फिनिश हो चुके हैं, उनको भी आप वहां पर देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे एडवांटेज है गाइस प्लस कोर्सेज के। तो आपको करना क्या है गाइस, तो आपको ये करना है, आपको गोल में जाकर के सेलेक्ट करना है SSC एग्जाम। उसके बाद गाइस आप जाएंगे गेट डिस्क्रिप्शन में। देन गाइस अगर मैं बात करूं तो आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे अलग अलग मंथ के हिसाब से फी दी हुई है। जो बच्चों ने अभी कॉलेज स्टार्ट किया है वो 2 ईयर्स के लिए गए, और जो फाइनल ईयर में है या फिर जो ड्रॉपर्स हैं वो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले। तो आप देख सकते हो जो यहाँ पे फी 6000 है, जो आप मेरा कोड यूज करोगे जो कि होगा ANG11, आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। और ये फी जो है ये 1 ईयर की 5400 की हो जाएगी। तो सारे बच्चे देख सकते हैं कि अगर मैं हमेशा बोलता हूँ कि दिल्ली जैसे जो शहर में आप जाके रहेंगे तो वहां का लिविंग कॉस्ट भी इससे ज्यादा होगा। और इस कॉस्ट पे गाइस आपको इंडिया के सारे टॉप फैकल्टीज जो आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में SSC कैटेगरी में पढ़ाते हैं, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे वो नॉन टेक्निकल हो, सभी के लेक्चर्स आप बहुत ही आराम से देख सकते हो, जो कि आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज देगा। यस और नो गाइस? अब गाइस मैं आप सभी बच्चों को बता देता हूँ कि सारे बच्चे GS टर्मिनल का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और गाइस ये लिंक भी यहाँ पे दी हुई है, और अगर आप लिंक से ना पहुंच पाए तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम में सर्च कर लीजिएगा @GS Terminal। तो डायरेक्टली गाइस आप इस टेलीग्राम चैनल तक पहुंच जाएंगे। और अगर इस चैनल के बारे में गाइस मैं बात करूं तो हमारे लेक्चर्स की सारी अपडेट और PDF भी आपको यहां पर अवेलेबल होंगे। ठीक है गाइस, तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग देखने वाले करंट अफेयर्स के अपडेट 27 से लेकर के 28 सितंबर। यस और नो गाइस? तो ये आज का हमारा डिस्कशन है जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो अतुल, दुर्लभ, राजन, अमित, एम्पलीफाई, काव्या, आयुषी, देवाशीष, नील, टिंकू, सागर, नरेश, कार्तिके, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं और आगे बढ़ाते हैं। और गाइस सारे बच्चे आज सेशन को शेयर जरूर करिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। और हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये रहा गाइस आपके स्क्रीन पे, इन विच स्टेट फाउंडेशन स्टोर फॉर वन ऑफ द फर्स्ट मेडिकल डिवाइस पार्क इन द कंट्री वॉज लेड रिसेंटली। गाइस आपसे पूछा जा रहा है हमारे देश में जो पहला मेडिकल डिवाइस पार्क है उसकी आधारशिला कौन से राज्य में रखी गई, उसकी आधारशिला कौन से राज्य में रखी गई। सारे बच्चे कमेंट करके आंसर दें। दीक्षा 8:30 ट्यूजडे, थर्सडे एंड संडे, ट्यूजडे, थर्सडे एंड संडे हम यहाँ पे क्या डिस्कशन करते हैं, करंट अफेयर, यस और नो। और अल्टरनेट डे हमारा चलता है स्टैटिक जीके, जैसे कि कल हम लोग पढ़ेंगे नेशनल पार्क। यस और नो? गुड मॉर्निंग सुषमा, गुड मॉर्निंग अतुल। तो चलो गाइस, तो याद रखना ये आपको बनेगा केरला में, ये आपको कहां पे देखने को मिलेगा, केरला में। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते कि बेसिकली ये है क्या। बिल्कुल, तो बेसिकली अगर गाइस मैं यहां पे बात करूं तो बहुत ध्यान से सुनना, हुआ क्या था 2019 में जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या ओपन करेंगे, 4 मेडिकल डिवाइस पार्क। कहां कहां पे ओपन करेंगे गाइस? तो ओपन करने वाले हैं हम आंध्रा, यस और नो, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड केरला। Yes or no? तो इसमें जो सबसे पहला जिसने स्टार्ट कर दिया वो कौन है गाइस, वो है केरला। यस और नो? तो 4 ओपन होने वाले हैं और सबसे पहले स्टार्ट कौन कर रहा है, केरला स्टार्ट कर रहा है। तो गाइस याद रखो ये जो मेडिकल पार्क है ये क्यों ओपन किए जा रहे हैं, ताकि गाइस आपको वर्ल्ड क्लास जो प्रोडक्ट है वो अफोर्डेबल प्राइस में इंडिया में ही बनाए जा सके, है ना, मेडिकल से रिलेटेड। यस और नो? तो मेक इन इंडिया का एक इनिशिएटिव भी है। तो इस तरीके से 4 मेडिकल डिवाइस पार्क बनाए जाएंगे आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला में। और फर्स्ट जो है
जहां से स्टार्ट हुआ है वो स्टेट कौन सा, केरला। तो गाइस आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। और केरला में कहां पे बनना चालू हो रहा है, तिरुवनंतपुरम, जो कि वहां की कैपिटल है। अब गाइस अगर मैं बात करता हूं कि केरल के बारे में, तो यहां के चीफ मिनिस्टर कौन है, मिस्टर पी विजयन, कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। यहां के गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। यहां के गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। आई होप गाइस आप लोगों को इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यस और नो? बिल्कुल बेटा, ड्रग्स पार्क जो है वो कहां पे बन रहा है, उड़ीसा में, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग ज्योतिरादित्य। ओके गाइस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन रेलवे हैज एक्सटेंडेड द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच आईआईटी फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। भारतीय रेलवे ने गाइस रेलवे के आधुनिकरण के लिए कौन से आईआईटी के साथ में जो अपना समझौता था उसको एक्सटेंड कर लिया है, उसको बढ़ा लिया है। तो गाइस ये आईआईटी रिसर्च में काफी अच्छा है, काफी ज्यादा वर्क होता है। और ये आईआईटी कौन सा है, सारे बच्चे बिल्कुल आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर गाइस मैं बात करूं इसके बारे में, तो आंसर हो जाएगा आपका आईआईटी कानपुर। आंसर हो जाएगा आईआईटी कानपुर, सारे बच्चे। यस सर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आईआईटी कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस हम लोग मूव करें, तो ये देखो इंडियन रेलवे है। यस और नो, आप जानते ही हो, ठीक है। तो इंडियन रेलवे का टाइप हुआ है किसके साथ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर के साथ में। हाँ जी, नेक्स्ट, नेम द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड। गाइस आप लोगों ने सुना होगा एक आकाश इंस्टीट्यूट है जो आपको मेडिकल की और इंजीनियरिंग की जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं इसकी कोचिंग करवाता है। यस और नो, तो आकाश एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, MS धोनी, युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़। यस और नो, तो गाइस आंसर देंगे सारे के सारे बच्चे, MS धोनी, युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़। तो गाइस याद रखना, ये बनाया गया है युवराज सिंह को। किसको बना दिया गया है गाइस, युवराज सिंह को। और अगर गाइस मैं बात करूं तो ये लोगो आप लोगों ने देखा ही होगा। यस और नो, ये लोगो आप लोगों ने देखा ही होगा, आकाश मेडिकल आईआईटी जेई फाउंडेशन। यस और नो, सारे के सारे बच्चे, है ना। तो अगर मैं बात करूं गाइस इसके चेयरमैन और एमडी कौन है, जेसी चौधरी, डायरेक्टर एंड सीईओ कौन है, आकाश चौधरी। आपको नहीं याद रखना हेडक्वार्टर का, न्यू दिल्ली नहीं याद रखना, बस याद रखना यहाँ की जो आकाश इंस्टीट्यूट है ना, बेसिकली उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया युवराज सिंह को। ये बस आप याद रखना, ये सब आपके काम का नहीं है। और गाइस यहाँ पे क्या होने वाला है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो युवराज सिंह है, यस और नो, वो लीड करेंगे आकाश डिजिटल का एक कैंपेन जिसका नाम होगा सक्सेस इज वेटिंग। तो याद रखना, जो ब्रांड एम्बेसडर बने युवराज सिंह, वो कौन सा कैंपेन लीड करेंगे आकाश इंस्टीट्यूट के लिए, या फिर जो उनका जो डिजिटल कैंपेन होने वाला है उसका नाम होगा सक्सेस इज वेटिंग। यस और नो, सक्सेस इज वेटिंग। आई होप गाइस आप लोग को बातें समझ में आ रही होगी। यस और नो, सक्सेस इज वेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। फाइंड द बॉलीवुड एक्टर हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सिएट। सिएट टायर आप लोगों ने सुना होगा। बॉलीवुड अभिनेता कौन है गाइस इनमें से जिन्हें ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया सिएट टायर का। बिल्कुल सारे बच्चे मुझे बताएं कि सिएट टायर का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, शाहरुख खान, आयुष्मान खुराना, रणवीर सिंह या फिर आमिर खान। इस समय गाइस सारा का सारा जो बॉलीवुड है आप देख रहे हो ड्रग्स से रिलेटेड फंसा हुआ है। तो बिल्कुल ज्योतिरादित्य करेक्ट आंसर दिया है, देन अखिलेश एकदम करेक्ट, तो भाई आप भी। यस और नो, आंसर हो जाएगा आमिर खान को बनाया गया है। किसको बना दिया गया, आमिर खान को। यस और नो। और अगर गाइस मैं बात करूं तो हुआ क्या, यहाँ पर गाइस अभी आईपीएल चल रहा है, बेसिकली एम्बेसडर बनाया गया इनको 2 साल के लिए। यस और नो। और ये क्या करेंगे गाइस, जब भी आईपीएल होगा, यस और नो, तो वहां पर गाइस आपको बात करूं तो ये प्रमोशन करेंगे किसके लिए गाइस, हम लोग बात करें तो सिएट टायर्स के लिए, ठीक है ना। याद रखना ये प्रीमियम टायर्स होते हैं। यस और नो, सिएट के। आई होप सारे बच्चे जानते हैं, बहुत सारे क्रिकेटर्स के बैट में भी आपको सिएट टायर का लोगो देखने को मिलेगा। वेरी गुड गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस अगर हम लोग बात करें, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। विच स्टेट हैज वन यूनाइटेड नेशन इंट्राजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड 2020 फॉर इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। यस और नो, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, सतत विकास। यस और नो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, सतत विकास। यस और नो, और किसके लिए, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए। गाइस आपसे ये पूछा जा रहा है कौन सा वो स्टेट है जिसने बहुत अच्छा काम किया है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए, यानी कि ऐसे रोग जो गैर संचारी, मतलब जो एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं फैलते, इसके लिए काफी अच्छा काम किया। पूरे वर्ल्ड में 6 जो है, 6 अलग अलग कंट्री के स्टेट को ऐसा मिला है। तो इंडिया में कौन से स्टेट को ये अवार्ड दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे बच्चे मुझे बताओ।
हाँ जी सारे के सारे बच्चे। तो बेटा टाइटल स्पॉन्सर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अनअकैडमी है, ठीक है। तो गाइस अगर हम लोग बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा केरला। आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर अनअकैडमी है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं 3 साल के लिए। यस सर नो, केरला आंसर याद रखना, केरला। अब अगर गाइस मैं बात करूं डायरेक्टर जनरल भाई साहब WHO के इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है इथियोपिया के कि आप पूछ नहीं सकते। और WHO का हेडक्वार्टर भी याद रखना कहां पर है, जिनेवा। WHO का हेडक्वार्टर भी कहां पर है, जिनेवा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ज्यादा आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन यार आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस मैं मूव करता हूं। हु हैज बिकेम द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट, यस और नो। तो ये फाइटर जो ये फ्लाइट ल्यूटिनेंट जो है हमारी, है ना, जो हमारी जो फ्लाइट ल्यूटिनेंट है वो बनी है। नाम आपसे पूछा जा रहा है, सारे बच्चे बनाने का प्रयास करें इस क्वेश्चन को। कौन है वो फ्लाइट ल्यूटिनेंट जो गाइस पहली महिला है, जो पहली वुमेन है जो राफेल कॉम्बेट एयरक्राफ्ट को फ्लाई करेंगी। बिल्कुल ये तो रट जाना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, शिवांगी सिंह, वाराणसी की है ये, ठीक है ना। ये कहां से बिलोंग करती है, वाराणसी उत्तर प्रदेश, बिल्कुल गंगा नदी के किनारे बसा हुआ वाराणसी, ये वहां से बिलोंग करती है। यस और नो, शिवांगी सिंह कहां से बिलोंग करती है, वाराणसी उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस मूव करते हैं, बिल्कुल वेरी गुड गाइस। और अगर मैं गाइस बात करूं एयरपोर्ट का मोटो क्या है बताओ, सॉरी जो हमारे जो एयरवेज है, हमारे जो एयरफोर्स है ना, इंडियन एयरफोर्स है, उसका मोटो क्या है, टच द स्काई विद ग्लोरी। और चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और मोटो क्या है, टच द स्काई विद ग्लोरी। ये सब लोग सारे बच्चे। और अगर मैं गाइस बात करूं, वाराणसी के बारे में, तो याद रखना ओल्डेस्ट सिटी ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं, विश्व का पुराना सबसे पुराना शहर जो है गाइस वो वाराणसी को ही कहा जाता है। तो ये बात भी आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, ये बात भी बिल्कुल आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस मूव करते हैं। तो अगला अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स, WRI। और ये रिलीज किया है किसने, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। यस और नो, ये गाइस बात करें यूनाइटेड नेशन की यूनिवर्सिटी की अगर गाइस हम लोग बात करें तो, इसके साथ में एक और इंस्टीट्यूट है जिसका नाम क्या है, बुडनिस। लेकिन इसके लिए आपको कोई जरूरत नहीं, बस आप इतना याद रखना गाइस की जो वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स है ना, बेसिकली इसके ऊपर काम किसने किया, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी, याद रखना। यस और नो, और बुडनिस एटविकलिंग हिल्ट जो है ये याद रखने की जरूरत नहीं है। और इंडिया की रैंकिंग क्या 89 है, और ये क्या बताता है ये मैं आपको समझा देता हूँ, ये है क्या, देखो गाइस सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि जो वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स है 2020 का, ठीक है, इसमें इंडिया की रैंक 89 है और टोटल कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया था 181। अब यहाँ पे हुआ क्या गाइस, यहाँ पे ये देखा जाएगा कि जो डिजास्टर रिस्क है ना, जो आपदा का रिस्क है, जैसे कि अर्थक्वेक यानी कि भूकंप, यस और नो, स्टॉर्म समझते हैं ना, तूफान, यस और नो, अर्थक्वेक से, या फिर मैं गाइस बात करूं तूफान से, बाढ़ से, या फिर सूखे से, या फिर सी लेवल जो समुद्र का जो तल है जो उसकी ऊंचाई का बढ़ना, इन सबसे जो सबसे ज्यादा जो रिस्की है वो कौन सी कंट्री है, और सबसे जितना ज्यादा आप पीछे जाओगे उतना बेटर है। तो देखो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में जिसको आप ओशियानिया भी बोलते हो, वहां पर गाइस एक छोटा सा आइलैंड नेशन है जिसका नाम क्या है, वानुतु। यस और नो, ये वेरी हाई रिस्क पे है, देखो इसकी रैंकिंग 1 है। यस और नो, और इंडिया 89 रैंक पर है, और हमारी जो रैंकिंग जो मीडियम रिस्क है, और सबसे ज्यादा जो सेफ है वो कतर को माना गया है वेरी लो रिस्क। यस और नो, जितना ज्यादा आप रैंकिंग आपके पीछे होगी उतना बेटर है, उतना बेटर है, बात समझ पा रहे हो, जितना ज्यादा आपकी रैंकिंग पीछे हो जाएगी उतना बेटर है गाइस। आई होप यार बात एकदम समझ में आ गई होगी, बात एकदम समझ में आ रही होगी सारे बच्चों को। यस और नो, एक बार कमेंट करके बता दो यार कि ये क्लियर है कि नहीं। तो वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स क्या होता है, आई होप सारे बच्चों को एकदम क्लियर हो गया होगा। और इंडिया की रैंकिंग है 89। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस कि ये यूनिवर्सिटी कहां पर मिलेगी, तो आंसर हो जाएगा जर्मनी, ठीक है ना। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी आपको कहां पर मिलेगा, ये जर्मनी। ओके गाइस, अगला है, सबसे पहले IoT डिवाइस क्या होती है ये समझ लेते हैं। IoT का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT। पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले IoT क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करें गाइस। तो IoT होता क्या है, IoT गाइस एक ऐसा डिवाइस है जैसे जो इंटरनेट के थ्रू, उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, कनेक्टेड होती हैं, जैसे
आपके घर का सिक्योरिटी सिस्टम आप बोल लो, यस और नो, टेम्परेचर से रिलेटेड चीजें बोल लो, आपकी जो कार होती है यस और नो उसका सिक्योरिटी सिस्टम बोल दो, आपके इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जो होते हैं उनको बोल दो, मतलब एक ऐसा डिवाइस जिससे आपकी सारी चीजें कनेक्टेड हो, यस और नो, लाइट जो होती है घर की, या फिर गाइस बात कर दो अलार्म क्लॉक होते हैं, जो स्पीकर सिस्टम होता है, यस और नो, या फिर जो वेंडिंग मशीन होती है, यस और नो, सब कुछ, मतलब एक ऐसी डिवाइस जिसमें गाइस इंटरनेट के थ्रू जो है वो सारी चीजें आप मैनेज कर सकते हो, सारी चीजें आप मैनेज कर सकते हो, बात समझ पा रहे हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं, विच आईआईटी हैज डेवलप्ड एन इंडिजीनियस माइक्रो प्रोसेसर नेम मोज़िक फॉर आईओटी डिवाइसेस, मतलब जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो डिवाइसेस हैं जिससे आप मल्टीपल चीजों को गाइस कनेक्ट कर सकते हो एक सिंगल डिवाइस से, यस और नो, इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर लगेगा यस और नो, वो कौन से आईआईटी ने डेवलप किया है, कौन से आईआईटी ने डेवलप किया है। तो सारे बच्चे करेक्ट बता रहे हो, आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास, आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। और गाइस यहाँ पर आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो, जितनी भी इंडिया में स्मार्ट सिटी बनने वाली है उन सभी में याद रखना आईओटी डिवाइसेस का यूज होने वाला है, उन सभी में आईओटी डिवाइसेस का यूज होने वाला है। आई होप गाइस आप लोग को जो पोर्शन है जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोग को बिल्कुल बात समझ में आ रही होगी, यस और नो। क्या हम आगे चल सकते हैं, क्योंकि एक भी पॉइंट ऐसा मैंने नहीं छोड़ा है जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, मैं सारी बातें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्पीड ज्यादा है तो भी आप कमेंट करके बता दो गाइस मुझे, स्पीड अगर ज्यादा लग रही तो प्लीज कमेंट करके बता देना, यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड, किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड नाम की बुक किसने लिखी गाइस, दिमाग लगाओ अपने आप आंसर बना लोगे, किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड नाम की बुक किसने लिखी है, सारे बच्चे बताओ, यस और नो, बिल्कुल हाँ, तो बिल्कुल गाइस विकास खन्ना, फेमस शेफ, यस और नो, विकास खन्ना ने बुक लिखी है किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड, है ना, बहुत ही फेमस शेफ है ये, किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड, विकास खन्ना, वेरी गुड गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के जो डीन जोन्स हैं उनकी गाइस डेथ हो गई है और आपसे पूछा जा रहा है कि इनका संबंध कौन से स्पोर्ट से है, ये कौन से खेल से संबंधित है, ये कौन से खेल से संबंधित है, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट एंड टेनिस, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट एंड टेनिस, इसमें से कौन से गेम से एसोसिएटेड थे डीन जोन्स जिनकी डेथ हो गई है, यस और नो, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है आप लोगों से, क्रिकेट से जुड़े थे, है ना, तो क्रिकेटर थे फेमस डीन जोन्स, फिर बाद में कमेंटेटर भी बन गए थे, तो याद रखना डीन जोन्स। नेक्स्ट आते हैं गाइस, वर्ल्ड फार्मेसिस्ट डे है ना, जो हम लोग एनुअली सेलिब्रेट करते हैं कभी सितंबर 25 को, आपसे पूछा जा रहा है इस साल में इसकी थीम क्या है, 2020 में इसकी थीम क्या है, इसका विषय क्या है, ये आपसे पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया है, और इसकी जो थीम हो जाएगी गाइस, आप सारे के सारे बच्चे मुझे बताएं इसकी थीम क्या हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट उनकी डेथ हो गई थी, इसकी थीम क्या हो जाएगी गाइस मुझे सारे के सारे बच्चे बताएं, और ये मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ आज के लिए, यस और नो, ये मैं आज के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, और नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल यहीं से स्टार्ट करूंगा, एक छोटा सा होमवर्क है आपके लिए, यस और नो, वैसे आंसर आप लोग सही दे रहे हो, ये सर नो, बट मैं आपको फिर भी बोलूंगा गाइस कि ये आपके लिए एक होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ट्राई करना है आप लोगों को, सारे बच्चों को, ये सर नो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस हम लोग बढ़ते हैं, व्हेन वाज अंत्योदय दिवस ऑब्जर्व, व्हेन वाज अंत्योदय दिवस ऑब्जर्व, अंत्योदय दिवस पूरे भारत में कब मनाया जाता है, अंत्योदय दिवस पूरे भारत में कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा सुनो, सारे बच्चे इंटरेस्टेड हैं क्या, सैटरडे और संडे पूरा दिल्ली सल्तनत और मुगल खत्म करने में, जैसे मैंने कल क्वेश्चन कराया था ना वैदिक एज में, उस टाइप के पॉइंट्स में, क्योंकि मिडिवल हिस्ट्री मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखी, कहाँ पे पढ़ा रखी बताओ, मैंने आपको स्पेशल क्लासेस में मिडिवल हिस्ट्री पढ़ा रखी है, तो क्या बोलते हो इंटरेस्टेड हो सैटरडे और संडे पूरी दिल्ली सल्तनत और मुगल खत्म करने में, यस और नो, सारे बच्चे बताओ दिल्ली सल्तनत और मुगल खत्म करने में कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं, यस और नो, अभी मैं आपको दिखूंगा नहीं, यहाँ पे फिर से लाइट का कोई इशू आ गया है, यस और नो, इंटरेस्टेड है सारे के सारे बच्चे तो मुझे बता देना, और अगर मैं गाइस बात करूं इस क्वेश्चन के बारे में तो आंसर हो जाएगा 25 सितंबर, है ना, वही वन लाइनर के थ्रू पूरा का पूरा जो क्वेश्चन आते हैं वो कराऊंगा, वन लाइनर के थ्रू पूरा का पूरा जो क्वेश्चन आते हैं वो कराऊंगा, ठीक है सारे बच्चे।
ओके गाइस, है ना। तो याद रखना 25 सितंबर। अब ये क्यों मनाते हैं गाइस, तो आप जानते हो जो गाइस पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं, इनका 104th बर्थ एनिवर्सरी था इस बार, और ये हर बार इनका जो बर्थडे कब आता है 25 सितंबर को, इसको अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कि जो यहाँ पर गाइस अंत्योदय का मीन क्या है, अपलिफ्टिंग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, मतलब जो सबसे गरीब आदमी है उसका भी विकास करना है, जो सबसे गरीब आदमी है उसका भी विकास करना है, ये ऑब्जेक्टिव है किसका, अंत्योदय दिवस का, ये ऑब्जेक्टिव है किसका, अंत्योदय दिवस का, है ना, याद रखना। हाँ बिल्कुल दीक्षा, यूट्यूब में ही कराएंगे, यस और नो, मैंने स्पेशल क्लास में पहले पूरा करा रखा है, यस और नो। अब क्या करूंगा, एक दिन में कोशिश करूंगा पूरा का पूरा दिल्ली से तक मुगल हो जाए, और अगले दिन उसमें जो राजपूत लोग हैं, जो और भी जो मिडवेल हिस्ट्री में जो चीजें आती है ना, वो सारा का सारा, चाहे विजयनगर अंपायर हो, तो पूरा वन लाइनर के थ्रू गाइस हम लोग पूरा का पूरा मिडवेल हिस्ट्री रिवाइज मारेंगे। यस सर, सारे के सारे बच्चे, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं गाइस, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी, यस सर नो, आपसे पूछा जा रहा है कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी जो है ना, उसने लॉन्च किया है यू राइस पोर्टल फॉर स्टूडेंट। सारे बच्चे मुझे बताएं, यू राइस पोर्टल फॉर स्टूडेंट जो है वो किसने लॉन्च किया है, यू राइस पोर्टल जो है वो किसने लॉन्च किया है, ये आपसे पूछा जा रहा है, कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी ने। तो बिल्कुल ज्योतिरादित्य, बिल्कुल सही कहा, हाँ जी पंकज, आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है यू राइस पोर्टल, किसने लॉन्च किया, उत्तर प्रदेश ने, बिल्कुल आयुषी। और ये बेसिकली है क्या तो देखते हैं गाइस, अगर मैं बात करूं यू राइस पोर्टल के बारे में, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स की लर्निंग को, उनकी करियर काउंसलिंग को, और उनको स्टेट में ही रोजगार दिलाने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है, और इसमें कोशिश किया जाएगा कि गाइस सभी को अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, इस पोर्टल के थ्रू अवेलेबल हो जाए। और याद रखना, इस तरीके का जो पोर्टल है लॉन्च करने वाला पहला स्टेट है उत्तर प्रदेश, पहला स्टेट है उत्तर प्रदेश, यस सर नो, हाँ या ना। सारे के सारे बच्चे याद रखो, ये जो पॉइंट मैंने बताया है काफी इंपॉर्टेंट है, यस सर नो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस मूव करें, तो ये तो सारे की सारी मैं अभी आपको कराने वाला हूँ। देखो नेशनल पार्क के बाद हम लोग बात करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो कोशिश करेंगे कि चीजें कवर हो जाए सारी की सारी, यस सर नो। तो ये कुछ डैम है और कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो आपको याद रखनी है, जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस मूव करते हैं, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, है ना, जिसको गाइस क्या कर दिया गया, रिनेम कर दिया है, किस नाम से, नेशनल मेडिकल कमीशन के नाम से, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिनेम कर दिया गया है, किसके नाम से, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नाम से। तो पहले अध्यक्ष इसके किसे बनाया गया, नेशनल मेडिकल काउंसिल के प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है, ट्राई करें आंसर देने का। तो आंसर हो जाएगा गाइस सुरेश चंद्र शर्मा, आंसर हो जाएगा सुरेश चंद्र शर्मा, सारे बच्चे आंसर क्या हो जाएगा, सुरेश चंद्र शर्मा इज द करेक्ट आंसर गाइस, है ना, बिल्कुल सुरेश चंद्र शर्मा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस हम लोग मूव करें, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर कौन है, हर्षवर्धन, यस और नो, ये आप याद रखना, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इसकी याद रखने की जरूरत नहीं है। India's first regional rapid transit system, yes or no, RRTS, yes or no, RRTS, yes or no, जो लॉन्च हो रही है दिल्ली गाजियाबाद और मेरठ को कनेक्ट करने वाली है, ये कौन से ईयर से सर्विस जो है वो शुरुआत कर देगी, मतलब गाइस जो इंडिया की पहली रीजनल रोड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन है ना, वो कौन से ईयर से वर्क करना स्टार्ट कर दी जाएगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। वेरी गुड ज्योतिरादित्य, लास्ट क्वेश्चन आपने सही आंसर किया। सबसे पहले मैं आपको इसकी इमेज दिखा देता हूँ, देखो ये इस तरीके से होगी, इंडिया फर्स्ट आरआरटीएस ट्रेन, ये बेसिकली क्या है गाइस, देखो ये नॉर्मल ट्रेन से अलग है, ये फुली गाइस अगर मैं बात करूँ तो पूरी तरीके से ऑटोमेटिक या फिर मॉडर्नाइज ट्रेन आपको देखने को मिलेगी, स्पीड काफी ज्यादा है, बट ये मेट्रो से अलग है, क्योंकि जो मेट्रो होता है वो एक सिटी में चलता है, और आप देख सकते हो इंटरसिटी वर्क करेगा, यस और नहीं, पूरे के पूरे दिल्ली एनसीआर को कवर करने वाला है, तो काफी फास्ट ट्रेन होने वाली है ये। और इसके बारे में गाइस मैं बात करूं तो ये स्टार्ट हो जाएंगी 2022 से, 2022 से, ठीक है ना अतुल, तो इसका आंसर हो जाएगा 2022 सारे बच्चे, है ना। तो याद रखना सारे के सारे बच्चे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन गाइस चलते हैं,
हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन द ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ फुटबॉल वुमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड? यस और नो, वुमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड। और अगर मैं गाइस बात करूं मैन फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन है इंडिया के, तो गुरप्रीत सिंह संधू जो है वो मैन फुटबॉलर, जो वो मैन प्लेयर ऑफ द ईयर है, वो मैन प्लेयर ऑफ द ईयर है किसके द्वारा, जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है उन्होंने गाइस मैन प्लेयर ऑफ द ईयर और वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया। तो मैन प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है, गुरप्रीत सिंह संधू, और आपसे पूछा जा रहा है वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है। यस और नो, आपसे पूछा जा रहा है यस और नो कि वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है, हाँ ना? तो गाइस मुझे बताओ, अगर हम लोग बात करें गाइस वुमेन्स कैटेगरी में, तो ये जीता है संजू यादव ने, ये 22 ईयर की है और ये बिलोंग करती है कहां से, हरियाणा से, है ना? आप नेम पे मत जाइएगा, है ना, ये कहां से बिलोंग करती है, हरियाणा से। तो वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर है कौन, संजू यादव, है ना, संजू यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस से बात करूं, तो वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे, विश्व गर्भ निरोधक जो दिवस है, कभी ऑब्जर्व किया जाता है गाइस, अगर मैं बात करूं तो ये ऑब्जर्व किया जाता है सितंबर 26 को पॉपुलेशन को रोकने के लिए। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं 18 में, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, ध्यान दो, फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, ये ऑब्जर्व किया जाता है सितंबर 26 को, और आपसे पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि कब से हम सेलिब्रेट करते हैं इसको, कब से हम लोग इसको, सॉरी सेलिब्रेट करना वर्ड गलत हो जाएगा, कब से हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं, कब से हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। सारे बच्चे याद रखना, ये वही साल है जब मोदी जी की गवर्नमेंट बनी थी, यानी कि 2014 से, है ना? तो उस दिन से क्या किया जाएगा, इस आप सारे के सारे बच्चे बता दो, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, हाँ या ना सारे बच्चे, यस और नो? और इसको याद रखना आसान है, 2014 से है, और पीएम मोदी का बर्थडे कब आता है, 17 को, यस और नो, हाँ या ना, ठीक है ना? तो सितंबर को ही आता है, तो उससे आप थोड़ा सा याद रख लेना कि, है ना, और ऐड कर दोगे उसमें गाइस थोड़े से 9 दिन तो आपको देखने को मिलेगा। देन वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे, ये ग्लोबली ऑब्जर्व किया था सितंबर 26 को। देखो जिस दिन एनवायरनमेंट के लिए हेल्थ रखना है उसी दिन आपका न्यूक्लियर वेपन को एलिमिनेट भी करना है, यस सर नो सारे के सारे बच्चे, हाँ जी। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे जो है वो ग्लोबली ऑब्जर्व किया था सितंबर 26 को, और आपसे पूछा जा रहा है कि इस बार थीम क्या है इसकी, बताओ सारे के सारे बच्चे। तो इस बार इसकी थीम है एनवायरनमेंट हेल्थ, अ की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डिसीज पेंडेमिक प्रिवेंशन, ये इस बार की गाइस थीम रखी गई। तो थीम आप लोग ध्यान से पढ़ना कि जो थीम है आपको देखने को मिलेगी, सारे बच्चे थीम जो है उसको ध्यान से पढ़ना क्योंकि जो थीम है ये आपको देखने को मिलेगी सारे बच्चे। तो 19 में 2 आएगा बेटा, याद रखेंगे। भाई उस दिन इस बार कितने सारे वर्क हुए थे देखे नहीं क्या आप लोग, है ना, पूरा ट्विटर क्या हैशटैग चल रहा था, याद नहीं है क्या? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, यस और नो, सॉरी वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे, क्योंकि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब आता है, 5th of June। गाइस देखो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आएगा 5th of June और ये क्या वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे, तो दोनों में डिफरेंस है, याद रखेंगे सारे बच्चे। बिल्कुल, अब गाइस बताओ हु हैज एड्रेस द फिट इंडिया डायलॉग ऑन फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट। गाइस फिट इंडिया मूवमेंट क्यों चालू किया गया था कि पूरा देश फिट रहे, यस और नो? तो जब इसका फर्स्ट एनिवर्सरी हुआ, पहला जब इसका साल पूरा हुआ, तो कौन से लीडर थे जिन्होंने बहुत सारे प्लेयर्स के साथ में बातचीत की और फिट इंडिया के लिए उन्होंने बात किया गया, यस सर नो? हाँ जी बिल्कुल अतुल, यस सर नो, अमित, ज्योतिरादित्य, बिल्कुल, हाँ जी। तो याद रखो गाइस आंसर क्या था इसका बताओ, यस सर नो, नरेंद्र मोदी, क्योंकि इस दिन उन्होंने बात किया था विराट कोहली से, यस सर नो, शिखर धवन से, हाँ बोलो, यस सर नो। तो बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं जिनसे इन्होंने उस दिन बात की थी,
और आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जो फिट इंडिया मूवमेंट है वो कब स्टार्ट हुआ था, तो ये स्टार्ट हुआ था एक साल पहले हमारे नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन, जो कि कभी आता है 29th of August को आता है, जो कि कभी आता है 29th of August को आता है। हाँ बिल्कुल, विराट कोहली, मिलिंद सोमन, सभी से है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये डे याद रखना है कि हमारे स्पोर्ट्स डे के दिन ही इसकी शुरुआत हुई थी कि इंडिया फिट रहने की बात कर रहे थे, याद रखना। हाँ जी भाई दुर्लभ, काव्या, अतुल, अमित, नरेश, आयुषी, अतुल, ओके, हाँ जी दीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज इंडियाज हाईएस्ट लिटरेसी अवार्ड। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, भारत का उच्चतम, गाइस हम लोग बात करें लिटरेसी यानी कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड कौन सा है। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है बताओ सारे के सारे बच्चे। तो आंसर हो जाएगा ज्ञानपीठ अवार्ड, बिल्कुल रट्टा लगा लेना। और इस बार किसको दिया गया इसके बारे में बात कर लेते हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ज्ञानपीठ अवार्ड आएगा ही आएगा। और गाइस अगर मैंने ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में बात की है तो देखो इस बार दिया गया है मलयालम पोएट को जिनका नाम क्या अखीतम है ना। वैसे ये टोटल अगर गाइस हम लोग बात करें तो ये 6th ऐसे पोएट, ऐसे राइटर हैं जिनको मलयालम लिटरेचर के लिए दिया गया है। ये सब किसी भी इंडियन लैंग्वेज के लिए दिया जाएगा और वो लैंग्वेज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रजिस्टर होने चाहिए। कितनी लैंग्वेज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल नंबर 8 में, तो शेड्यूल नंबर 8 में 22 लैंग्वेजेस हैं, तो उनमें से एक मलयालम भी है। तो जो अखीतम जी हैं, यस और नो, ये बहुत ही वेल नोन पर्सनालिटी है, पोएट है, कौन सी लैंग्वेज के, मलयालम लैंग्वेज के। तो इनको दिया गया है गाइस ज्ञानपीठ अवार्ड इस बार का। और अगर गाइस हम लोग बात करें जो ज्ञानपीठ अवार्ड सबसे पहला किसको मिला था, वो भी मलयालम राइटर को मिला था, बट आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड, तो आंसर हो जाएगा जी शंकरा कुरुप। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट गाइस, याद रखना। तो यहां से 3 क्वेश्चन हुए, इस समय किसको दिया गया, अखीतम जी को, मलयालम पोएट, यस और नो। पहला ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला गया, जी शंकरा कुरुप को। और इंडिया में जो हाईएस्ट लिटरेसी अवार्ड है उसका नाम क्या है, ज्ञानपीठ अवार्ड। इतनी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। 3 क्वेश्चन जो है वो 1 क्वेश्चन से निकले सारे बच्चे, 3 क्वेश्चन जो है वो 1 क्वेश्चन से निकले। देन गाइस, एटॉमिक साइंटिस्ट एंड फॉर्मर चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन मिस्टर शेखर बसु, जिनको गाइस पद्म अवार्ड भी मिला है, पद्मश्री रिसिपिएंट है 2014 के, उनकी COVID-19 से कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में डेथ हो गई है गाइस, मैं बात करूं। और आपसे पूछा जा रहा है कि ये कौन सी फील्ड से हैं, क्वेश्चन जो है उसी में आंसर भी छुपा हुआ है, क्वेश्चन जो है इसी में आंसर भी छुपा हुआ है। परमाणु वैज्ञानिक और परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष शेखर बसु, जिनको पद्मश्री पुरस्कार भी इससे नवाजा गया था, उनकी COVID-19 के चलते वेस्ट बंगाल में डेथ हो गई है। और ये कौन सी फील्ड से है, तो बिल्कुल सारे बच्चे करेक्ट आंसर दे रहे हो, दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। आंसर क्या हो जाएगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यस और नो गाइस, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यस और नो। तो गाइस ये थे करंट अफेयर 27 से लेकर के 28 सितंबर के। आई होप जो करंट अफेयर हैं ये आपको काफी बेटर लगे होंगे, यस और नो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। और मैं पहले ही बता चुका हूँ बच्चे, जो भी बच्चे प्लस में आना चाहें, यस और नो, क्योंकि जानते हैं वहां पे मेरा इकोनॉमी चल रहा है और अदर फैकल्टीज के भी वहां पे कोर्सेज चल रहे हैं, तो आप वहां पे लाइव क्लासेस देख सकते हैं, क्रैश कोर्स आपको मिलेंगे, दोनों ही लैंग्वेजेस में कोर्सेज मिलेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा, वीकली टेस्ट मिलेगा, तो आप गाइस प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। और जब भी गाइस आप प्लस ज्वाइन करें तो यस और नो, यूज माई कोड, दैट इज ANG11, यस और नो। तो याद रखना है सारे बच्चों को। और गाइस ये था आज का पूरा लेक्चर, आई होप यार लेक्चर आपको सही लगा होगा, बिल्कुल है ना। तो चलो गाइस अब हम लोग मिलते हैं कब, ठीक 11 AM पे। अब हम कब मिलेंगे गाइस, मेरी बात को ध्यान से सुनो, अब हम लोग अभी मिलेंगे अनअकैडमी की स्पेशल क्लास जो कि होगी 11 AM पे। और यहाँ पर हम लोग टॉप 100 जो पॉलिटी के क्वेश्चन कर रहे हैं उसका सेकंड पार्ट हम देखने वाले हैं। कौन से नंबर का पार्ट देखने वाले हैं, सेकेंड पार्ट, ठीक 11 AM पे अनअकैडमी स्पेशल पे। तो आपको करना क्या है गाइस, इंस्टॉल करना है अनअकैडमी ऐप, यस और नो। और गाइस मुझे आप लोग अनअकैडमी में जब आप SSC गोल करोगे तो वहां पर बस सर्च कर लेना, वहां पर लिख लेना अनुराग 08, मेरा यूजर नेम है गाइस अनअकैडमी में, मेरा यूजर नेम क्या है, अनुराग 08। तो जैसे ही आप अनुराग 08 सर्च मारोगे तो वहां पे मैं मिल जाऊंगा आपको, ठीक है। और जो स्पेशल क्लासेस होती है टोटली फ्री होती है,
और वो आपको मजा आएगा। वहां पे पोल का जो सिस्टम है आप वहां पे बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हो, एक बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग वहां पे प्रैक्टिस करेंगे। यस और नो? दीक्षा उसका टेंशन मत लीजिएगा, हम ये जो करंट अफेयर होते हैं ना ये रिवीजन से होते हैं, आपको रटना नहीं है, क्योंकि देखो आपके सामने ऑप्शन होंगे और मैं अभी जो है 1st of October से जनवरी से लेकर के अब तक का जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो मैं कराऊंगा और आप देखोगे कि आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि हम लोग बार बार रिवीजन करेंगे और रिवीजन इतना ज्यादा हो जाएगा कि आपको अपने आप याद हो जाएगा, डरिए मत। यस सर, बिल्कुल भी मत डरिए। यस सर नो? हाँ जी, तो बेटा आज क्विज करना है क्या? यस सर नो, या फिर आज क्विज रहने देते हैं, क्विज हम लोग करते हैं गाइस कल, ठीक है ना? यस सर नो, आज क्विज रहने देते हैं, है ना, हम लोग क्विज करते हैं कल, और हिस्ट्री की जो क्लास होगी 4:30 पे वहां पर भी क्विज करेंगे, ठीक है? वेलकम। तो बेटा ये जो पीडीएफ वगैरह आपको मिलेंगे आप रिवाइज करते रहिएगा और रटिएगा मत, बस आप देखते जाएंगे, देखते देखते ही क्वेश्चन बनने लगेंगे, ठीक है? चलो गाइस, थैंक यू सो मच। यस सर नो, तो आयुषी हम लोग कल क्विज करेंगे बेटा, ठीक है? चलो ठीक है गाइस, तो अब हम लोग मिलते हैं कल। यस सर नो? हाँ जी, ओके बेटा। जीशान, दुर्लभ, काव्या वेलकम गाइस, दीक्षा वेलकम गाइस, अमित। चलो तो गाइस मैं सेशन को एंड कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर गाइस, शेयर दीस लेक्चर्स एज वेल एज अवर चैनल एज मच एज यू कैन, यस और नो, क्योंकि गाइस यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा कंटेंट हम लोग आपको प्रोवाइड करने का पूरा ट्राई करेंगे। ओके गाइस, बाय बाय। ओके आयुषी, नरेश, साहिल, बाय गाइस, थैंक यू सो मच, वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस।